इस विषय नाल संबंधित नियम उस हद तक मुअत्तल किए गए समझे जान। जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के हक विच हन वह हां कहन, जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हन वह ना कहन। मैं समझदा हाँ हां पखरी जित है, हां पखरी जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया। अगली आइटम, माणयोग मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव पेश कर। माननीय स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हां कि विधानसभा अज इस दे उठ जाने ते अणमिथे समय लई स्थगित हो जाए। बहस। प्रश्न है कि विधानसभा अज इस दे उठ जाने ते अणमिथे समय लई स्थगित हो जाएगी, जिहड़े माननीय मैंबर प्रस्ताव दे हक विच हन ओ हां कहन। वोटिंग हो जाती है। बाबा जी स्पीकर साहब, जरा पिछले सैशन से आया सैशन के दौरान जिहड़े हफ्ते दहाना जिहड़ियां पंजाब च घटनावां होईयां उन्हां बारे विचार करन दा कदों मौका मिलेगा? यूनियनां ते धड़ाधड़ कर्जे हो रहे ने, कोई धन्नवाद बाजवा जी, कानून छिके ते टंग दित्ता है, इनकलाब इह ते नहीं ना हैगा, विचार करन दा मौका दित्ता जावे। तुहाडी गल आ गई, प्रॉपर मौका दित्ता जाएगा। जिहड़े माननीय मैंबर प्रस्ताव दे हक विच हन ओह हां कहन, जिहड़े माननीय मैंबर प्रस्ताव दे विरुद्ध हन ओह ना कहन। मैं समझता हां कि हां पक्ष की जित है, हां पक्ष की जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया। अगली आइटम, सरकारी मता। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव पेश कर। श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करदा, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के द्वारा पंजाब का पुनर्गठित किया गया सी, जिहदे च पंजाब राज का पुनर्गठन हरियाणा प्रांत चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश में किया गया। पंजाब के कुछ हिस्से उदों के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय शासित प्रदेश में दिते गए सन। उदों तो पंजाब राज अते हरियाणा राज के नामजदां नूं प्रबंधकी पद्धर से कुछ अनुपात दे के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वर्गियां सांझियां संपत्तियां के प्रबंध में संतुलन बनाया गया सी। केंद्र सरकार ने अपनियां कुछ हाल दियां कार्रवाइयां विच इस संतुलन नूं असंतुलन करन दी कोशिश कीती है। हाल विच ही केंद्र सरकार ने भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के मैंबरां दियां असामियां दा इश्तिहार सारियां राज सरकारां ते केंद्र सरकार दे अधिकारियां नूं भेजिया है, जबकि असामियां रवायती तौर ते पंजाब ते हरियाणा दे अधिकारियां द्वारा भरियां जांदियां ने। इसे तरह चंडीगढ़ प्रशासन च हमेशा 60-40 दे अनुपात विच पंजाब ते हरियाणा दे अफसरां द्वारा व्यवस्थित कीता जांदा है, पर हाल विच ही केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ विखे बाहरले अफसरां नूं तैनात किया है ते चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों लई केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू किए हैं, जो अतीत विच बनी सहमति समझ दे बिल्कुल विरुद्ध हैं। चंडीगढ़ शहर नूं पंजाब की राजधानी वजों होंद विच लिआंदा गया सी। जेकर पिछलियां मिसालां वेखो तां जदों भी किसी राज का बंटवारा होया है तां राजधानी मूल राज दे कोले रहिंदी है, इसलिए पंजाब मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं दित्ते जाण लई अपना दावा पेश कर रहा है। पहला भी यह सदन ने चंडीगढ़ पंजाब नूं देण लई केंद्रीय सरकार पास बेनती करदे होए बहुत सारे मते पास किए ने। एक सुरता बनाए रखने लई अते लोकां दी भावनावां नूं ध्यान च रखते हुए यह सदन एक बार फिर चंडीगढ़ पंजाब नूं तुरंत देण लई केंद्रीय सरकार कोल मामला उठाउण लई राज सरकार नूं सिफारिश करदा है। यह सदन साडे संविधान विच दर्ज संघवाद दे सिधांतां नूं सत्कार देण लई राज सरकार नूं सिफारिश करदा है कि केंद्रीय सरकार नूं बेनती करे वो अजिहा कोई भी कदम न चुके जिस नाल चंडीगढ़ प्रशासन BBMB वर्गियां होर सांझियां संपत्तियां दे संतुलन दे विच बिघन पवे। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के द्वारा पंजाब का पुनर्गठन किया गया सी, जिस विच पंजाब राज का पुनर्गठन हरियाणा प्रांत चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश विच कीता गया सी, अते पंजाब दे कुछ हिस्से उदों दे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय शासित प्रदेश नूं दित्ते गए सन। उदों तों पंजाब राज अते हरियाणा राज दे नामजदां नूं प्रबंधकी पद्धर ते कुछ अनुपात दे के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वर्गियां सांझियां संपत्तियां दे प्रबंध विच संतुलन बनाया गया सी। केंद्र सरकार ने अपनियां कुछ हाल ही दियां कार्रवाइयां विच इस संतुलन नूं असंतुलित करन दी कोशिश कीती है। हाल ही विच केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के मैंबरां दी असामियां का इश्तिहार
सारिया राज सरकार केंद्र सरकार के अधिकारियों भेजा है, जबकि यह असामिया रवायती तौर से पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों द्वारा भरिया जा। इस तरह चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा 60-40 के अनुपात में पंजाब और हरियाणा के अफसर द्वारा व्यवस्थित किया गया है। पर हाल ही विच केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ विखे बाहरले अफसरों को तैनात किया है, चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू किए हैं, जो अतीत विच बनी सहमति दे समझ दे बिल्कुल विरुद्ध हैं। चंडीगढ़ शहर नूं पंजाब की राजधानी वजों होंद विच लिया गया सी। जेकर पिछलियां मिसालां वेखो तां जदों भी किसी राज का विभाजन होया तां राजधानी मूल राज पास रहिंदी है। इसलिए पंजाब मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं दित्ते जाण लई अपना दावा पेश करता रहा है। पहला भी इस सदन ने चंडीगढ़ पंजाब नूं देण लई केंद्रीय सरकार पास बेनती करदे होए बहुत सारे मते पास किए हैं। एक सुरता बनाए रखण लई अते लोकां दीआं भावनावां नूं ध्यान विच रखदे होए यह सदन एक बार फिर चंडीगढ़ पंजाब नूं तुरंत देण लई केंद्रीय सरकार कोल मामला उठाउण लई राज सरकार नूं सिफारिश करता है। यह सदन साडे संविधान विच दर्ज संघवाद के सिद्धांतां नूं सत्कार देण लई राज सरकार नूं सिफारिश करता है कि वह केंद्र सरकार नूं बेनती करे कि वह अजिहा कोई भी कदम ना चुके जिस नाल चंडीगढ़ प्रशासन अते बीबीएमबी वर्गियां होर सांझियां संपत्तियां दे संतुलन विच विघन पवे। हुण इस ते बहस होगी। जी एफएम साहब। स्पीकर साहब, सब तो पहले तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मता पेश किया, मैं इस मते की प्रोड़ता करदा गा। 1966 जो पुनर्गठन एक्ट बनिया सीगा तो उस समय पंजाब का हिस्सा 7% सी चंडीगढ़ दे विच और हरियाणे का 40% सीगा, और सरकारा समय समय से बनदिया रही, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पर लेकिन किसी भी सरकार ने कोई राजनीति का लगातार बीजेपी जो हिस्सा कटता गया, लगातार यूनिवर्सिटी जो हिस्सा कटता गया, जिन्हें इंस्टीट्यूशन सीगियां, जिन्हें संस्थावां सीगियां, सारे जो हिस्सा कटता गया, पर लेकिन इन्हां सरकारां दी भूमिका लगातार बीजेपी बोली बोलदियां रहियां। जदों केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार होंदी सीगी उस समय भी राज्यां दे अधिकारां ते डाका पैंदा सीगा, जदों केंद्र दे विच बीजेपी की सरकार आ उस समय भी पंजाब दे उत्तर डाका पिया गा, दिल्ली दे उपर डाका पिया गा। तुहानूं पता गा कि किस तरह केजरीवाल साहब उपर हमला होया गा, उस हमले दी निंदा करदे आ कि लगातार केंद्र सरकार जिहड़ा हैगा पंजाब दे अधिकारां ते डाके मार रहा है। स्पीकर साहब मान साहब ने जदों देश दी पार्लीमेंट दे विच सीगे लगातार पंजाब दे मुद्दे की आवाज बुलंद की, चाहे पानिया की गल सी, हरेक इशू नूं, हरेक मसले नूं, चाहे कोई भी मामला पंजाब दा आउंदा सीगा, सारे मैंबर पार्लीमेंट लगभग 20 मैंबर पार्लीमेंट चुन के देश की पार्लीमेंट जाते हैं, 7 राज्यसभा तो 13 लोकसभा तो, और 19 मैंबर पार्लीमेंट मैं समझदा चुप करके बैठे होंगे सी। सरदार भगवंत सिंह मान कले देश के प्रधानमंत्री सामने गज के बोलते देश के प्रधानमंत्री घेरते, प्लीज बाजवा साहब सुन लो, पूरा टाइम मिलेगा बाजवा जी, पूरा कर लें। स्पीकर साहब तीन काले कानून बना के केंद्र की सरकार ने पंजाब दे किसानां ते हमला बोलिया, पंजाब दे राज सरकार भी जेल दी इजाजत तो बिना बोलिया गया, रिकॉर्ड ना कीता जावे, जेड़ा विशा स्टेट दा सीगा, जिस विषय दे उत्ते स्टेट ने कानून बनाउणा सीगा उस विषय दे उत्ते बीजेपी दी सरकार ने कानून बनाया, बिल्कुल उस विषय दे उत्ते बीजेपी दी सरकार ने कानून बनाया। तुसी स्पीकर साहब बाजवा जी, तुहानू खवा अगले स्पीकर तुसी हो, ਆਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਬੈਠੂ।
बैठो बाजवा जी बैठो मंत्री जी, मैं हाउस को बेनती करता कि शांति बना के रखिए। मंत्री जी, मैं हाउस को बेनती करता, मैं हुणे गल कर, बाजवा साहब तुसी पॉइंट नोट करो, तुसी जवाब देना है, यू हैव एम्पल टाइम। बाजवा जी, तुहाडे अगले स्पीकर तुसी हो, अगले स्पीकर तुसी हो। सीएम साहब इधर क्या करो, बाजवा साहब सुनो, लीडर ऑफ हाउस खड़े हैं, कृपा करके सारे सुनो। चंडीगढ़ के रूल लागू हो रहा है विरोध कर रहे हैं, विरुद्ध प्रस्ताव। तुम की 5 साल साढ़े 4 साल का सिस्टम वाले महल के भी दरवाजे नहीं खोले, साढ़े 4 साल दरवाजे खड़ा लेते सिस्टम वाले महल दे, की लागू करके हो बीजेपी वाले की लागू करके उन्हें विरोध किया। सीधा जाते HM को, सीधा जाते प्रधानमंत्री को, कैप्टन साहब। तो इस करके कृपा करके सुन का मादा रखो। हां, थोड़ा जा औखा होंदा है, 5 साल बाद जो जाती है ताकत ना, औखा होंदा है, पर बह जो 7 साल मैं पार्लीमेंट च रहा, मैं बहुत बिठाए नहीं ऐदा। हां, कीमा साहब तो बाद बाजवा जी तैयार रहे, कीमा साहब तो बाद बाजवा जी तैयार रहे, सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा तैयार रहे, कीमा साहब तो बाद बाजवा जी, तुसी आपके पॉइंट नोट कर लो, तुहाडे कोले पूरा टाइम है। मानयोग स्पीकर साहब, पूरा टाइम जवाब देंगे, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। बह जाओ आराम नाल, तुसी बैठो, ये बदमाशी हुण नहीं चलनी हैगी। आशा ते बाजवा साहब इधर मुकाबला लाइव डेकोरम बना के रखो। पंजाब की जनता सारे मानयोग मैंबरों को देख रही है, सुन रही है। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब का पेंडू विकास फंड रोक के केंद्र सरकार ने पंजाब से हमला किया गा, पर हो क्या क्या वा, साडी बांह मरोड़न का पंजाब का मौका किने दिता गा, इन्हों लोगों ने दिता गा। साडा पंजाब का पेंडू विकास फंड इन्होंने महसूस किया गा, इन्हों कांग्रसियों ने महसूस किया, इन्ह अकाली दल बीजेपी ने महसूस किया, केंद्र सरकार को मौका मिलिया कि साडी बांह मरोड़ी आ, साडा पेंडू विकास फंड रोकया गया। सर जिहड़ी गल रिकॉर्ड ना की जाए, जो कानून बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने बनाया सीगा, उस कानून नूं तोड़न दा यतन केंद्र दीआं सरकारां लगातार करदीआं रहिंदीआं नेगीआं। सो मैं इस मते की प्रोड़ता करदांगा और केंद्र सरकार दे इन्हां हुक्मां दी जिहड़ी आ निंदा करदांगा और इस मते दे नाल खड़ांगा। धन्नवाद जी। मानयोग
माननीय मैंबर साहबान मैं बेनती करना बाजवा जी हुण तुसी बोलोगे मैं बेनती करना कि लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी वधिया पहल कीती सी कि इस सदन की कार्रवाई नूं लाइव कराया गया सो आपां सारे आपकी भाषा की मर्यादा रखिए सारा पंजाब नूं अपने तो बड़िया वड्डिया आस तुसी जिन्ने पॉइंट नोट किए है तुसी बोलो सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी देखो ऑनरेबल स्पीकर साहब एक्सट्रीमली थैंकफुल है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिहड़ा सीएम साहब लैके आए एंड सारिया पार्टी नरीक साड़ी पार्टी ने सारा पंजाब गवर्नमेंट की पिठ पिछे जिथों तक पंजाब का ज्यादा हो रही बट काइंडली जो तुम सैकेंड कर रहे हो सीएम साहब ही इज इन दी नंबर टू पोजिशन फाइनेंस मिनिस्टर तुम कह रहे हो पंजाब की लड़ाई कल यही लड़ते रहे तो बाकी उसे बखियां मारते रहे जी पांच फुट के बेस 65 साल की उम्र से नहीं मैनु दसो एक मिनट लेट मी स्पीक या तो फिर राम रौला पाना मेरी बेनती सुन लो मेरी एक बेनती सुन कृपा करके माहौल देखो सीने मोस्ट आदमी का काम है सीने मोस्ट आदमी का काम है माहौल ठीक रख आजा दिन किंतु परंतु का नहीं गवर्नर एड्रेस मैं पहली बार वेख्या गवर्नर एड्रेस दे दे बहस ही ना हो दैट मीन द गवर्नमेंट वॉज इन प्रिपेयर तुम प्रिपेयर नहीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब न मता पास हो शहीद आजम भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर साहब के इतने बुत लगने हुण महाराजा रणजीत सिंह की इतने हाउस के सदन के सारा कुछ यूनैनमसली पास होए सीएमओ इन्हों का ऑफिस अंडर प्रिपेयर होए उन्होंने यह पता ही नहीं कि हैरीटेज बिल्डिंग्स ने बुत लग नहीं सकते दैट मीनस दे मिसलेड द सीएम दे मिसलेड द हाउस हैव यू टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट कोई एक अफसर का इन्होंने सिर जरा रस्सा पाया वे गल कोई नहीं कोई रिस्पोंसिबिलिटी आनी अज दूजे दिन फिर चलो इन लाइटर वेन च ही लै लो ठीक है अज के दिन भी बच्चे पैदा होंगे सारा कुछ होंगे वर्ल्ड ओवर दिस इज टेकन एज अ नॉन सीरियस डे फर्स्ट ऑफ अप्रैल वह पता कह कि दफ्तर जरा दे समथिंग सीरियसली रॉन्ग मैं बेनती तुम्हें करना चाहना सीएम साहब असी थोड़े देखो तुम फ्रेश स्टार्ट किया मैं तुम्हें उदन भी गल कही को रवायती पार्टियां वर्गे पिछे अजे कोई बहुता बैगेज है नहीं कृपा करके नवी जड़िया पुरानिया पिरतिया शुरू की मैं उही कर लगा वो नवी पिरता ना शुरू करी चंगा सोना कहिंदे मान साहब ने बहुत अच्छा कदम उत्थे पार्लियामेंट च कीता बिल्कुल मैं 65 साल की उम्र 100 किलो वजन के नाल 5 फुट के मेज से चढ़ के हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन चुक के वाइस प्रेजिडेंट के मुंह से मारी कि सीएम साहब नूं इस गल का इलम नहीं जी किसानों की जे मूवमेंट वापस हुई है तो कल इन्होंने कराती है जी असि की करते रहे सारिया पार्टियां ने कांग्रेस का कमाया रोल रहा इन्हों का भी रहा साढ़े दोस्त ने साडे छोटे भाई ने माहौल ठीक रखो तुम 92 जीते हो एडा वड्डा फतवा तुहानू मिलिया लेट अस इहदा पॉजिटिव आप सिस्टम रखिए सर अच्छी बहस होएगी लाइव तो अच्छे जवाब मिलेंगे जे इस किस्म की गल करे कि बाकी ने किया कुछ नहीं तो ओबियसली हम आप देखो शब्दावली सो वट आई वॉन्ट फर्स्टली जी इन्हों की गलत शब्दावली वापस लिया बदमाशी का शब्द इतने वर्त है दसो है कोई गल हाँ जी अच्छा चलो हम लेट रेजोल्यूशन आइए जी चलो आप जी चल जिन्हें भी कोई गलत बयानी कितने भी की चंगे माहौल कैन वी स्टार्ट फ्रेश हम नवी गल आप कर सकते हाँ जी बेनती मेरी है जी साहब भगवंत सिंह मान जी ने गल कही सेंटर की सरकार जेडिया दो मिनोरिटी जिथे मिनोरिटी मेजोरिटीज जेडिया ने हिंदुस्तान दी मिनोरिटीज जो दो सूबे ने जिदे विच मेजोरिटीज ने एक पंजाब दे विच एक जम्मू कश्मीर इन्हों की कोशिश रही है कि इन दोनों के तिनकर किया जाए ये किसी ना किसी तौर तरीके जम्मू कश्मीर भी तो पंजाब भी इन्हों के हक हकूक खोए जाए पंजाब च वोट नहीं पई इन्हों की जमात को एक बदला की भावना किया हुआ काम है पहले जिस तरह गल जिक्र किया उन्होंने भी मैं भी वो गल कहना चाहना जी मैनेजमेंट बोर्ड है भाखड़ा का उसका चेयरपर्सन दो वड्डियां पोस्टां इरीगेशन दी पार दियां एक हरियाणे को एक पंजाब में जाती भाखड़ा करता कि यदि एक तो बिजली प्रोड्यूस करता एक पानी पंजाब में भी जाता हरियाणे में भी जाता राजस्थान में भी जाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता उसके विच भी अपने हाथे विच पावर सुक लिया हूँ आ जिहड़ा चंडीगढ़ च किया इन्होंने ये देखो इंपलॉइज़ को बेनीफिट चंडीगढ़ वालों होया
ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਇਟ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ 2018 ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੌ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜੀ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਟਰਸ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 90% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਈਏ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਈਏ, ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਟਿੰਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਅੜਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀਅਟ ਸੀ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਚੈਰਿਟ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਦਿਆਲਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੋ ਉੱਬਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਸੜੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵ ਆਲੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਮਨ ਮੱਕੀਆਂ ਕਰੇ,
वह दिल्ली सरकार के उस औरंगजेब सरकार के खिलाफ सी। सो अज असी उस औरंगजेबी सरकार के खिलाफ यह सदन के एक निखेधी मता पास करने वास्ते खड़े हुए हैं कि तुसी पंजाब दे नाल हर तरह का धक्का कर रहे हो। यह धक्का पंजाब दे नाल करदे 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 जिस स्टेज ते पहुंच गए कि हुण बहुत वड्डा असहय हो गया, क्योंकि बीजेपी की जिहड़ी सियासत है उस फैडरलिज्म की संवेदनशीलता बहुत घट है और केंद्रीय सिविल सेवावां का रूल जिहड़ा लागू किया है उसकी हुण ताजा उदाहरण है कि 66 के बंदरगाह ट्रैक्ट के पंजाब नूं चंडीगढ़ देना सी देना एक पासे रहा अज उहदे उत्ते अपने जिहड़ियां सिविल सेवावां के केंद्रीय मुलाजमां थोप के हौली 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 करते करते अज तुसीं मतलब पंजाब नूं जो एक अपनी राजधानी है वह खो के बिल्कुल केंद्र के अधीन कर रहे हो। इस गल की शक सब निखेधी करता मैं। देखो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, पंजाब के पुआधी के लगभग 50 पिंडां नूं उजाड़ के कह लो तुसीं जां उन्हें जमीन के उत्ते 1116 नूं चंडीगढ़ बारे फैसला हो गया सीगा। मैं समझदा कि चंडीगढ़ जो दिता नहीं गया सानू काफ़ी लहरां उठियां, संत फतेह सिंह ने मरण वर्त भी रखिया सीगा, बाद विच वो फैसला वापस ले लिया। शहीद दर्शन सिंह फेरूमान ने दोबारा फिर दसण वास्ते कि मरण वर्त की हुंदा है, मरण वर्त दे की माने हुंदे ने, सो वह दोबारा उन्होंने मरण वर्त रखिया और खीर नूं कुरबानी दे के वह दसता भी आह चीज़ हुंदी है मरण वर्त, ऐ पूरा किया जाता है। सो चंडीगढ़ पंजाब लैण वास्ते वड्डी वड्डी मतलब कुरबानियां साडे फेरूमान साहब नूं कीती है। असी रिपेयर एंड रिटायर की गल करते हैं कि जिस स्टेट के पानी गुजरता हो स्टेट के पानी का हक उस स्टेट में जाता है। मैं कहना भी साडा जरा चंडीगढ़ पंजाब के हक के बड़ा जरा दावा है वह यह भी रिपेरियन जिम्मे रिपेरियन का चल जल वास्ते किया जाता है कि साढ़े पंजाब के पिंड उजड़े ने और पंजाब के पिंड उजाड़ के तुम चंडीगढ़ पसाया। इतने एक रिपेरियन इस तरीके का भी होना चाहिए भी जो पंजाब के पिंड उजड़े ने तो चंडीगढ़ पंजाब भी होना चाहिए तो क्यों हो गए दसो होर किसी की देना है। मैं तुम दस दिना मतलब स्पीकर साहब के साडे पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी नगला पिंड आए गए, नगला पिंड जिहड़ा अज्जकल सैक्टर 19 ते सैक्टर 37 दा हिस्सा है। उन्होंने अपने भाषण च कहा कि शहर का नाम चंडी मंदिर के आए दुआले इलाके दे विच चंडी मंदिर के आए दुआले इलाके दे विच यह शहर बस रहा सी भी इहदा नाम मैं चंडीगढ़ रख रहा। पंजाबियों की सूरबीरता नाल भरी हुई रूह का प्रतीक है ये पहले प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू के शब्द ने जी। और चंडीगढ़ जन भी वैसे आजादी ने कोई खुशियां मनाई जा रही सी, एक पासे देश की आजादी का जो दुखान सीगा उजड़ के लोग आए थे उन्होंने वेड़ों में होया सी। असल चंडीगढ़ का जो नाता है पंजाब के नाल बिल्कुल ऑर्गेनिक नाता है, संजीव है, जवंत है, ये कोई मतलब हो नहीं। जिस तरह चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी राजधानियां एक सवे मान का प्रतीक होंगे जी, पुराने जमाने जे दिल्ली से कब्जा कर लिया मतलब भारत से कब्जा हो गया, जे काबुल कंधार से कब्जा हो गया तो मतलब अफगानिस्तान से कब्जा हो गया, लाहौर से कब्जा हो गया, पाकिस्तान से कब्जा हो गया, पूरा यह सवे मान का प्रतीक ने। तो पंजाबियों के सवे मान रोलन की गल कर रही है भी पंजाब हजे तक अपनी सवे मानता का एक जरा एक रूहानी ज एक सभ्याचारक नाता सी वह भी पूरा कर दिता जा रहा। सो इस करके जिस तरह पैरिस की फ्रांस की पैरिस की महत्ता है, जिस तरह चेन्नई की मद्रास की महत्ता है, मद्रास की तमिलनाडु की महत्ता है, जिस तरह महाराष्ट्र की मुंबई की महत्ता है, जिस तरह लाहौर की पाकिस्तान की महत्ता है, इसलिए चंडीगढ़ का जो ना है वो पंजाब की महत्ता है। सो साडा सारा का फर्ज बनता है कि आप सारे मिलकर इस विच कोई कताही ना करिए, जे फिर कताही की है तो जिम्मे किसी शहर ने लिखे कि जे दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने लमो ने खता की सदियों ने सजा। एक थोड़ी जी गलती करके अज सदी अज देखो तुम देखो भी 66 तो बाद 34 साल हो गए, 22 साल हुण हो रहा है, 56 साल तो असी बकायदा हर रोज चंडीगढ़ के बारे देना है लैना है उत्तों करते करते किवें हो रहा है। पंजाब की आजादी के पंजाब के लोगों का आजादी के बड़ा रोल है जी, आप सारे हर रोज पकड़ते हैं। देखो रोल कहना है भी जो आजाद होया सी तां पंजाबी ने सब पद मुशक चलनी पी,
एक बस दुकान से लखा लोगों का मतलब कतलेआम लखा लोग उजड़ के इधर आए इधर उजड़ के उधर गए जब कहीं पाकिस्तान जाने तो लोग उसे पूछते हैं कि यार मेरे जगरावां का भी है मेरे कोई समाज का बंदा है कोई मतलब आप जाने जत्थे कि पुछते हैं कि रोंद गल आखिए जे कि नेड़े तेड़े के पिंड मेरे मैं कि पाकिस्तान गया तो दस के कोई डोगर आ गई उन्होंने पूछा अभी मैं भलाड़े का मैं वो कहता भलाड़े दस के नेड़े है मेरे गल ला के रोन लग गया जी बंदा हालांकि उन्होंने दादे कि आए थे सो दुख कि असहनशील है सो इन तकलीफा कट्ट के बावजूद पंजाबियों को मिले तो की मिले अज इतिहास गवाह कि जे फांसी चढ़े 121 बंदे फांसी चढ़े जी उन्होंने 93 सिख से 28 गया सिख जेकर उम्र कैद हुई 2646 तो 2147 सर स्पीकर साहब वह सिख से 499 दूजे से जलियांवाला बाग की घटना हुई 1300 बंदे शहीद हुए उत्थे लोग 800 सिख से 500 अदर से जेकर बजबज घाट के शहीद हुए 113 कले 67 सिख से जेकर कूके शहीद हुए तो 91 शहीद कूके शहीदों के 91 सिख से जेकर अकाली लहर के शहीद हुए 510 के 510 सिख से एड्डी वड्डी साडे सिखां दी साडे पंजाबियों की पंजाबी ते सिखां दी कुरबानी होवे ते उस कुरबानी वाले इस स्टेट नूं अज असीं राजधानी वल्लों असीं तरस रहे हां ते बहुत वड्डा मतलब दिखांत है साडे वास्ते दिखांत है इह सो इस करके अज जिहड़े अग लाउंदे ने जिवें किसे ने कहा ना वी तुसीं अग ना लाओ रहण दिओ आग को होती नहीं अपने पराए की तमीज आग को होती नहीं अपने पराए की तमीज बाद जे भूल गए अग लगाने वाले अग लगाने भी पूछ लो भी मित्रों जो अग लाओगे ना तो अग लाओगे तो यह अग के भी झुलसे जाओगे कि जिम्मे एक अपने शहर से उन्हें कहा कि जो इस जद के आने ना अग लाने वाले घर भी ही है सोडा आशियाना भी ही है तो साढ़े असी सारा यह अच्छ क्यों कर रहे हैं आप सारे बैठे हाँ भावें इधरले पासे बैठे ने भावें आप बैठे हाँ क्योंकि जे जे असी नहीं करते साढ़े बच्चे सानू ये पुछणगे जिमें किसी एक भुपिंदर बहुत तगड़ा शायर है पंजाबी का वो कहिंदा अग की खेड बच्चा ना ना खेडो प्रश्न चिन्ह बन के खलो जाणगे तुहाडे सामने कि तुसीं अग के खिलाफ लड़े क्यों नहीं इस अग के बाहर तुसीं दर्शक बन के क्यों खड़े रहे अग के समुंदर विच तरे क्यों नहीं अग ला रहे हाथों तुसीं फड़े क्यों नहीं जेकर तुसीं अग लाउण वालियां विच नहीं सी तो अग बुझाउण वाले सत विच खड़े क्यों नहीं सानू अग बुझाने वाले सत विच खड़ना चाहिए सो इस करके देखो गल यह है हुण मैं कह लवें की गल करदा इस गल की गुस्सा ना मनण क्योंकि सारे वास्ते ही गल है भावें साडे पिछले बंद दानशवरां ने गलती की भावें अज वाले ने गलती की गलती तो हुई हुई है ना हुण 24/3/76 नूं इंदिरा गांधी ने अवार्ड जारी किया जी एमरेसी सी सानू पता मैं 75 टीचर लग गया सी मैं 76 टीचर सीगा मैनू उस गल की नॉलेज है उस अवार्ड के साडा जिहड़ा अवार्ड है उस नूं पती है भी उहदे पानिया की वंड का फैसला होया सीगा 31/3/1979 नूं अकाली सरकार सीगी 1 करोड़ रुपया दिता गया सानू पता और बकायदा जमीन अकुआयर करन की जिहड़ी प्रक्रिया सी शुरू हुई गलती की उदों लम्मों ने सजा पा रहे हैं 30/4/1979 नूं हरियाणा ने 76 दे अवार्ड नूं लागू कर लई सुप्रीम कोर्ट च अपील पाती 11/7/1979 नूं पंजाब विच 36/18 नूं चुनौती दित्ती गई पर दुखांत यह वापरिया कि 80 च इलैक्शन हो गई दोबारा इंदिरा गांधी साडी प्रधानमंत्री बन गई पंजाब विच कांग्रेस सरकार बन गई हरियाणा च भी कांग्रेस सरकार बन गई राजस्थान च भी कांग्रेस सरकार बन गई इंदिरा गांधी जी ने साडे प्रधान मिनिस्टर ने तिन्ने मुख मंत्री से बुला ले बुलाउण तों बाद मीटिंग हुई मटीशन जो 36 धारा जी सर 36 की धारा नहीं सारा बेड़ा डुबे जी पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 है साडा बेड़ा बिठाई इसने आया चुनौती देती सी पंजाब सरकार ने परंतु उन्होंने नाले हरियाणे पंजाब दोवों बिठा के सारे तिने सारे पटीशन वापस ले लिया साडा दिखांत शुरू हो गया उस तो बाद धर्म युद्ध मोर्चा हो गया मतलब अत्तवाद आ गया अत्तवाद में जरा पंजाब का नुकसान हुआ सूर्य सारे सामने आप सारे वेखी है सो इस करके 8/82 कोई बहुत दुकान से जो कपूरी विखे राजपुरा विखे टक लाया गया चांदी की कही देना यह साडे वास्ते भुलने वाली गल नहीं है यह लमन कथा की ना ता ही असं अज कथा पा रहे हैं देखो गल यह है स्पीकर साहब 78 धारा विच की सीगा 1 नवंबर 66 नूं पंजाब नालों
हरियाणा दोनों अड हो गए, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 66 पास होया। इस एक्ट बनाने जाति हुई, सब बड़ी जाति उत्थे हुई, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 246 कलाज 3 सातवें शड्यूल दे विच जिहड़ा पानी सिंचाई नहरां पानी स्टोर करना जाने के डैम ते ऊर्जा ये राज्यां दे विषय ने जी, जो राज्यां दे विषय ने ते प्रदेश की विधानसभा ते प्रदेशिक सरकार के विधानक ते प्रशासकीय अधिकार खेत्र दी आउंदे ने सारे काम ये। पर एक्ट पास की 3 मदां 70 89 ते 80 जोड़ के केंद्रीय सरकार ने पंजाब के दरियाई पानिया डैम हैडल पावर जाने की ऊर्जा इन्ह की वंड मंडाई रख रखा इन्हों के विकास न संबंधित सारे काम केंद्र सरकार अधीन कर दिए। इतों समस्या विखे शुरू दोबारा करके केंद्र का बहुत बड़ा हमला से साडे पंजाब दे सर कर दिए गए और उस तो बाद इन्हां मदां अनुसार पंजाब ते हरियाणा विचकार जे दरियाई पानी झगड़ा ना निपटदा होवे तां निपटारा करना भी केंद्र सरकार दी हो गया, वह भी निपटारा केंद्र सरकार होगा। BBM का जो मसला सी ना वह भी इतने शुरू होंगे, जेकर BBM उतो ना होंगी 78 धारा ना 89 धारा होंगे शायद BBM के मसले के केंद्र केंद्र दखलदाजी करता सी, असी अपने सारे अफसर उत्थे लाने से हरियाणा के अफसर उत्थे लाने से, सिर्फ 2 पोस्टा एक मैंबर सिंचाई तो मैंबर पावर दोने साल असी तुम दिते वह भी हम पंजाब खो रही है, वह भी पंजाब खो रही है सर। उस तो बाद की होया ये सारा कुछ संविधान के उल्ट हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मेरे ख्याल रूह करलाउंदी होगी जिस तरह के ये संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं। वैसे तो विधान वैसे BJP की सरकार जी है मैं तुम्हें दसी है भी यह संघवाद के बहुत खिलाफ है, जो केंद्रीकरण किया जा रहा है, जो संविधान के घाड़िया ने कभी नहीं सोचा कि जिथे एक पासे संवर्ती सूची केंद्रीय सूची है, दूजे पासे राज्य की सूची है, तीजे पासे कंकरेंट लिस्ट है, तो मैंने भी सोच के बनाया था भी राज भी कोई हावी ना हो केंद्र सरकार ते राज्यां नूं भी अपना कंट्रोल करने का मौका मिले, जेकर दोनों के आपस समेल होंदा होवे तां कंट्रोल लिस्ट है ही है, उन्होंने भावना कितनी वधिया सी। पर हरेक चीज नूं स्टेट की चीज नूं राज्यां दे विच लै जाणा केंद्रीय सूची विच लै जाणा यह सारों वड्डा जिहड़ी साडे ते वड्डा हमला है। उस तो बाद की सर की होया स्पीकर साहब घोर लंघना हुई, यह अनैतिक भी है तो गैर संविधानक भी है। 1 नवंबर 66 तो पहला पंजाब विच पैंदे दरिया जमुना के पानी के रिपेयरिंग अधिकार केंद्र ने हरियाणा नूं देते, जिहड़े जमुना दरिया दे ना सी नहीं उहदे रिपेयरिंग केंद्र अधिकार केंद्र ने जमुना देते। जेकर केंद्र सरकार इन्नी ही सूझवान होंगी तो उत्थे भी वह आपके कंट्रोल रखती, फिर हरियाणा क्यों दिते अलग वो ना तो अधिकार देते हरियाणे तो साडे अधिकार साडे दरियावां दे अधिकार देते आप को रख ले। सो इस करके जमुना दरिया दे जेकर केंद्र सरकार न्यायकारी होंगी तो जमुना दरिया के पानी की भी अधिकार अपने खेत रखती, पर अजिहा नहीं किया गया। सो पंजाब पुनर्गठन एक्ट 66 में उपरोक्त मदा जोड़ नाल सतलुज जमुना नहर का मसला भखदा रहा, इस करके भखदा रहा। सो अज सबई अलदा नहर का मसला हो सारा केंद्र ने जान बुझ के अमल किया गया। सर देखो SVI अलदा जी नहर है इसमें दूजी SVI भी असं मैं थोड़े जरिए सीएम साहब को बेनती करदा कि शारदा जमुना निकल हर बार सानू उत्साहित होना चाहिए। सारे दानश्वर ने मेरी गल भी हुई है यूनिवर्सिटी बंदे जेकर SVI के सतलुज जमुना निकल नहर के पैरल छड के जेकर शारदा जमुना निकल नहर वाल आप बजिए नाले सू जमुना का पानी नाले जो उपरला पानी व्यस्त होता है शारदा नदी का वह पानी भी पंजाब या दूजे सिंचन बरतन मिल सकता है। सो मेरा यह सारिया गलों दसण का मतलब यही है कि पंजाब के नाल केंद्र सरकार ने अपने हैंकड़वादी नीति जी अपना के साडे लोगों का बड़े धोखा किया जा रहा है और साडे जिहड़ियां एक सभ्याचार कदर कीमत ने उन्होंने कदर कीमत बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सो इस करके पंजाब जी राजधानी है वह अपनी बनाने वास्ते केंद्र सरकार चंडीगढ़ में पूर्ण तौर पर पंजाब के हवाले च करे और अज का जो विशेष क्योंकि 1 तरीक रखने का मेरा मकसद जरा CM साहब का मकसद यह कि अज तो कंट्रोल हौली हौली होर बढ़ रहा है केंद्र का इस कंट्रोल को खत्म करना सी। इस करके अ दिन महत्वपूर्ण से जेकर अज असी डिले कर जाते अज दिन डिले कर जाते तो कल फिर बेले खुंजी डूमनी बोले वाल पताल वाली गल होनी सी। अज के दिन जो कि अच्छ केंद्र सेवावान का रूल लागू होंगे अज के दिन यह निखेधी मता पास होना चाहिए सी। इस करके CM सर बहुत धन्यवाद करना कि तुम अज दिन लिया के महत्वपूर्ण विषय में लोगों सामने रखे और मैं समझता कि चंडीगढ़ है वो पंजाब का हिस्सा होना चाहिए। इस गल की जो भी CM साहब सू अगवाई देने असं उन्होंने सहमत होंगे थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनप्रीत सिंह इयाली जी।
धन्यवाद स्पीकर साहब जो तुम मैं अज जो मता मुख्यमंत्री जी वालों लिया गया जो केंद्र सरकार वालों चंडीगढ़ दे विच जो सेंट्रल सर्विस रूल लागू किए जा रहे ने उदे विरोध दे विच अते पाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे विच भी जो धक्केशाही दे नाल दूजे सूबियां दे विचों मैंबर जिहड़े उत्थे ऑफिसर नामजद किए जा रहे ने उसके विरोध दे विच अते मैं इस मते दे हक दे विच खड़ा होया सो जिस तरह पहलों भी बहुत वधिया विचार किए गए ने मैं भी थोड़ी जी पिछोकड़ वाल जाना चाहना कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी राही साढ़े देश दे विच आए थे हौली हौली उन्होंने सारे देश से राज करना शुरू कर दिता साढ़े देश में याद कराने के लिए बहुत वड्डे संघर्ष बड़े अंदोलन होए बड़िया लड़ाइया लड़िया गई जिद सिखां दा खास तौर पर पंजाबियों का बहुत वड्डा योगदान रहा 2% आबादी सिखां दी लेकिन कुर्बानी 80% तो वध चाहे फांसी ते चढ़ना पिया चाहे काले पानी जाना पिया चाहे गिरफ्तारियां देनिया पईआं सो लेकिन देश आजाद होने तो बाद मिलिया की सिखां नूं की मिलिया पंजाबियों नूं की मिलिया बहुत वड्डियां धक्केशाहियां सब तो पहला इनाम तो सानूं मिलिया कि वंड हुई देश की पंजाब दो हिस्सों च वंडिया गया चढ़दा पंजाब ते लहिंदा पंजाब जिस दे विच सब तो वड्डा नुकसान है जिहड़ा वह पंजाब का पंजाबियों का खास तौर से सिखां का होया बहुत वड्डा उजाड़ा होया हजारां लोग बेघर होए अपनियां जमीनां जायदादां जो जिसनों असीं पाकिस्तान का इलाका बाहर का इलाका कह दिंदे आ बड़ी मेहनत नाल जमीनां आबाद कीतियां उन्हां नूं छड्ड के उजाड़ा होया वापस आउणा पिया अते बहुत वड्डा कतलेआम भी होया जिहड़े पिंडां दे विच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक भरावां दी तरह रहिंदे सी उन्हां दे विच बहुत वड्डी कड़त्तण पैदा की गई एक कहानी हुंदी सी सानूं सुहिरद सिख शायद किसी ने होर भी पढ़ी होवे कि जिस टाइम समय देश की वंड हो रही सी जदों एक ट्रेन इधरों वध के मुसलमानां दी उधरों सिखां दी वध के आई तां उस समय बड़ी सुणन वाली कहानी आ कि एक मुसलमान लड़का जिहदी उम्र 17-18 साल सी एक सिख बच्चे नूं तांगे दे विच रोज स्कूल छड्डन जांदा सीगा ते बड़ा प्यार करदा सी उस बच्चे नूं ते लेकिन जदों पता लग्गिया कि इस तरह का कतलेआम पाकिस्तान दे विच होया ते पंजाब दे विचों ट्रेन वध के मुसलमानां दी भेज दित्ती गई आ तां उस मुसलमान लड़के ने उस बच्चे दे छुरा मार दिता तांगे जांदे ने उत्थे लोकां ने उहनूं गिरफ्तार कर लिया उत्थे मौके ते उस जिहड़ा सिख बच्चा सी उसदे बाप नूं बुला लिया गया मौके ते हाजिर हो गया तां उहदे छुरे नाल ਉਹ ਖੂਨ ਲੱਥਪੱਤ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਆ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 4 ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਗੌਰਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਲੇਕਿਨ
चंडीगढ़ जिहड़ा इह पंजाब नूं नहीं दिता गया अते उस समय टैंपरेरी यूटी बनाया गया सीगा। चंडीगढ़ नूं टैंपरेरी यूटी बनाया गया सी कि 10 सालां लई इह टैंपरेरी यूटी बनाई जांदी आ ते आउण वाले समें च पंजाब नूं दित्ती जाऊगी। 1970 दे विच श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री सन उन्होंने ऐलान किया कि चंडीगढ़ पंजाब नूं दित्ता जाऊगा, नहीं दिता गया। उस तो बाद 1985 दे विच राजीव गांधी वह प्रधानमंत्री सन उदों ऐलान किया गया कि चंडीगढ़ दिता जाऊगा पंजाब नूं, लेकिन नहीं दिता गया। सो 60-40 की रेशो जिहड़ी उस समय तय की गई सी कि 60% मुलाजम जिहड़े पंजाब दे अते 40% जिहड़े हरियाणे दे विचों भर्ती किए जाणगे, लेकिन हौली हौली जिहड़ियां केंद्र दीआं सरकारां ने उत्थे सिद्धी भर्ती शुरू की जिहड़ी मेरा ख्याल है कि अज 80% तक जिहड़ी भर्ती आ डायरैक्ट जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट वल्लों की जा रही आ, 20% दे विच 12% पंजाब ते 8% हरियाणा रह गया। लेकिन हुण जो सेंट्रल सर्विस रूल लागू किए जा रहे ने इहदे लई जिहड़ी पिछली सरकार हैगी कांग्रेस दी पंजाब दी, क्योंकि उस समय जो चंडीगढ़ दे जिहड़े मुलाजम सीगे उन्हां नूं जो बणदियां सहूलतां नहीं दित्तियां गईयां, सो इह वी इक कारण है कि उन्हां ने सहमति जताई आ जिहड़ी सेंटर दे नाल जाण दी। सो जिहड़े सर्विस रूल लागू हो रहे आ इह चंडीगढ़ नूं सिद्धे जां सिद्धे ढंग दे नाल केंद्र सरकार दे अधीन लिआउण दीआं साजिशां ने, सो इहदा असीं डट के विरोध करदे आ, क्योंकि इहदे नाल कल्ला इह नहीं कि चंडीगढ़ ते अधीन किया जा रहा चंडीगढ़ नूं सेंटर दे, इहदे नाल ही जिहड़ी साडी पंजाबी भाषा उहदे ते वड्डा हमला, क्योंकि पंजाबी भाषा चंडीगढ़ दे विच सर्विस रूल केंद्र दे लागू होण दे नाल इत्थों पंजाबी पंजाब दे विचों खत्म हो रही आ। सो क्योंकि उत्थे बिल्कुल ही जिहड़ी साडियां शर्तां सी कि 10वीं पास पंजाबी जरूरी आ उह वी सारियां खत्म होणगियां, इस लई मैं इस मते की हमायत भी करदा वा ते उहदे नाल ही सरकार नूं बेनती करदा तुहाडे राही कि आउण वाले समें दे विच इकजुट हो के पंजाब दे मुद्दयां दे लई पंजाब दे मसलियां दे लई पंजाब दे हक्कां दे लई साडा सारियां दा फर्ज बणदा कि जिस तरह किसान अंदोलन दौरान लड़ाई लड़ी गई आ डट के इकट्ठे होके इसे तरह आउण वाले समें दे विच लड़ाई लड़ी जावे, चाहे सानू राष्ट्रपति जी नूं मिलना पवे जां आउण वाले समें च कोई एजिटेशन कोई शुरू करनी। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा पंजाबी साडियां बावां एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा जोश जज्बा जुनून।